सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रफ एंड टफ राइडर इन ए टू जेड बाइक वर्ल्ड। आज जो निंजा 650 है मॉडिफाइड करने वाला है, जिसमें एग्जॉस्ट सिस्टम होगा फुल, जैसे फुल हेडर के साथ जो बैंड पाइप आता है वो भी लगाने वाला, एग्जॉस्ट भी आपको लगाने वाला। और इसके साथ क्या क्या मॉडिफाइड और हो सकता है जो मैं आपको बता दूँ, इसके ऊपर वैसे एक्सटेंडर वाइजर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा हमारे पास, प्लस फॉग स्लाइडर हमने लगाया है और फॉग प्रोटेक्टर भी मिल जाएगा आपको, रेडिएटर गार्ड भी मिल जाएगा, फ्रेम स्लाइडर आपको मिल जाएगा, स्पोल्स मिल जाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ जो है आपका सीट काउल भी हमारे पास, टैंक पैड है, थाई पैड है, लीवर प्रोटेक्टर है, ए टू जेड जो मॉडिफाइड आइटम है सारे चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। अब देर ना करते हो पहले मैं एग्जॉस्ट का बता दूँ क्या क्या है और कैसे है। पहले फुल सिस्टम मैं दिखा दूँ कि इसका जो कंपनी से जो आता है स्टॉक वाले एग्जॉस्ट ये वाले आते हैं, पूरा हमने कम्प्लीट हटा दिया। बाय द वे कभी अगर आपको हटा के नॉर्मल कंपनी वाले लगाना है तो आप इजिली लगा सकते हो, और ये थोड़ा ज़्यादा ही कॉस्टली आता है, इस चक्कर में इसको कटिंग करके मत छेड़छाड़ करो। अगर कटिंग कराते हो यहाँ से वेल्डिंग से कटिंग भी कराते हो तो ये छोटा हो जाएगा, फिर आगे आगे के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। और बाय द वे कभी सेल करना होता है तो रीसेल वैल्यू भी कम हो जाता है इससे, तो कभी भी फुल सिस्टम लगाओ, ज़्यादा महंगा बैंड पाइप नहीं आता। और जो बैंड पाइप इसका हमने लगाया हुआ मैं दिखा दूँ, पूरा हेडर सिस्टम लगाया, पूरा हेड से आप देख सकते हो। और डबल सेंसर चाहिए तो डबल सेंसर भी है, सिंगल सेंसर चाहिए तो सिंगल भी है, और फुल एडजस्टमेंट के साथ हमारा ये एग्जॉस्ट आपको मैं लगा रहा हूँ। फाइनल वीडियो तो मैं दिखाऊंगा ही कि क्या क्या मॉडिफाइड किया है पहले। अब एग्जॉस्ट कौन सा था आवाज़ सुना दूँ, सारे एग्जॉस्ट मिलेंगे, रैपली का हमारे पास मिल जाएगा, ये 47 आ गया, ये आपका R9 हो गया एक रबोवी का वाला, और ये आपका आ गया लिविंसी का हो गया, ये अल्फा हो गया। अब मैं अब साउंड आपको सुना देता हूँ एक एक करके। सो ये हमारा रैपली का लिविंसी का आ गया, और ये आपका कैटलिक कन्वर्टर आ जाता है, जैसे एक मॉडल और ये दूसरा मॉडल, ये आपका कैटलिक कन्वर्टर आ गया, एक स्मॉल एक और एक बिग। इससे होता है कि थोड़ा सा मीठा साउंड हो जाता है, ये डीबी किलर का आपका ऑप्शन आ जाता है, सारे मॉडल का हमारे पास डीबी किलर है, जैसे जो एग्जॉस्ट लगाओगे तो डीबी किलर ये लग जाते हैं। और ये रैपली ये जो है ना आपका कैटलिक कन्वर्टर, ये जाली वाले बिग और स्मॉल आ गया। अब ये लिविंसी का रैपली का मैं आपको साउंड सुना दूँ कैसा साउंड है आपका, नेक्स्ट हमारा आ गया जो आपको ये सिमोरा का 47, और इसका भी साउंड सुन लो, कार्बन फिनिश के अंदर है ये, और ये थोड़ा बिग साइज आ जाता है तो इसका साउंड बहुत ही प्यारा हो जाता है, और ये आपका फिट होने के बाद कुछ ऐसा लुक हो जाता है आपका। तो ये अब अपना आ गया रैपली का एकरा पोवे R9, अब इसका भी आप साउंड सुन लो, इस साउंड कैसा है आपका। तो नेक्स्ट हमारा गया अल्फा, ये सिमोरा अल्फा रैपली का, इसका भी मैं आपको साउंड सुना देता हूँ, पहले तो मैं डीबी किलर हटा लेता हूँ फिर उसके बाद आपको साउंड सुना देता हूँ। ये सो गाइस ये अपना एलकी आ गया, और कुछ नहीं करना है, ये एलकी से हमारा रिमूव हो जाएगा आपका डीबी किलर। अब मैं आपको साउंड सुना दूँ, ये हमारा आ गया नट, और ये आपका डीबी किलर आ गया, अब इसका साउंड आप सुन लो आप। तो भाई फाइनल तो हमारा यही अल्फा होता है रैपली वाला है, और फिटिंग होने के बाद मैं फिर से डीबी किलर लगा के भी सुना दूंगा साउंड कैसा है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और फाइनल पूरे वीडियो जो जो मॉडिफाइड हमने किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई अपना निंजा 650 हो गई पूरी कंप्लीट, जो मैं आपको दिखा दूँ पहले तो मॉडिफाइड की बात करते हैं, मॉडिफाइड में क्या क्या हुआ ये देख सकते हो। पहले तो रेडिएटर गार्ड है, रेडिएटर गार्ड भी हमने लगाया, वैसे हमारे पास दूसरा कंपनी का मिलता है लेकिन ये जो है ना मेरे पास दूसरा मॉडल दूसरा कंपनी का आ जाएगा, इसी टाइप का आपको मिल जाएगा। और फॉग स्लाइडर हमने लगाया है, फॉग स्लाइडर से आपको बेनिफिट होता है, जैसे डिस्क ब्रेक हमारा प्लेट वगैरह जो टेढ़ा हो जाता था वो नहीं होगा आपको, और इससे लुक भी हमारा चेंज हो जाता है। फुल प्लग एंड प्ले सिस्टम जो होता है ना वो सिस्टम है हमारा ये फॉग स्लाइडर का। और इसके साथ फ्रेम स्लाइडर अगर चाहिए तो ये कंपनी का तो है नहीं मेरे पास, दूसरा मॉडल आपको मिल जाएगा, फ्रेम स्लाइड का 3-4 ऑप्शन हमारे पास है, शॉप पर आके आप लगवा सकते हो। और हमने सीट कवर भी लगाया है जो प्लग एंड प्ले सिस्टम, ये भी आ जाता है आपको, और फाइबर का आपका इसमें आ जाता है ब्लैक कलर। और मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि हाँ इसका जैसे
नॉर्मल आपका सीट था वैसे ही आ जाएगा। और ये देख सकते हैं इम्पोर्टेड होगा आपका, ये नहीं है जैसे कॉपी होता है ना वो नहीं, इम्पोर्टेड में आपका हो गया फुल प्लग एंड प्ले सिस्टम आपका ये सीट कवर का आ जाता है। ये देख सकते हो आप बिल्कुल कंपनी फिटिंग आ जाएगा, कहीं से गैप वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। और फुल सिस्टम की बात करें तो फुल सिस्टम फिर से मैं आपको दिखा दूँ कि फुल सिस्टम हमारा एग्जॉस्ट आ गया हेडर के साथ और डबल सेंसर के साथ है। जैसे एक सेंसर हमारे यहाँ है, दूसरा सेंसर यहाँ है, दो डबल सेंसर लगाया हमने, कुछ भी चेंज नहीं किया। कंपनी फिटिंग जो होता है वही बैंड टाइप के जरिए। और एग्जॉस्ट का मैं आपको साउंड तो और सब एग्जॉस्ट का सुना दिया था। और फाइनल होने के बाद कुछ देख सकते हो लुक, नट बोल्ट जो है हमारा कंपनी फिटिंग के जैसा ही लगा है यहाँ एग्जॉस्ट का, काफ़ी हैवी फिटिंग भी हो गया। अब साउंड आपको सुना दूँ, डीबी किलर के साथ जो साउंड आता है वो सुना देता हूँ। तो भाई ये था जो डीबी किलर लगा के हमने जो साउंड सुनाया, प्लस हमने स्पूल्स भी लगाए हैं वो मैं आपको दिखा दूं। जो आपका पैडॉक के लिए स्पूल्स आ जाते हैं दोनों साइड में आपका, ये आ जाता है, आप कोई भी पैडॉक आप लगा सकते हो, ये स्पूल्स भी हमने लगाए हैं। और रिम टेप वगैरह जो जैसे चाहिए 650 लिखा हुआ चाहे ग्रीन कलर का जो भी है सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। शॉप पर आना तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारा लिंक दिला हुआ है, प्राइस वगैरह पूछना तो डिस्प्ले पर हमारा नंबर आ रहा होगा, प्राइस वगैरह भी पूछ सकते हो। ये हमारे दीपक भैया जैसे दो अपनी शॉप है, तो आप जहाँ भी आओगे एक शॉप पे मैं मिलूंगा, एक हमारे शॉप पे ये मिलेंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू मॉडिफाइड साथ। बाय बाय।